हाँ, वो लड़का यही पुजारी के साथ रहता है। पुजारी जी, स्वामी पुजारी जी, पुजारी जी, बाहर आइए। तुम क्या इस लड़के को पूजा पाठ सिखाते हो या लड़कियों से बदतमीजी करना सिखाते हो? कौन हो तुम? पुष्पा तुम? हाँ, पुष्पा बहन, तो क्या हुआ अभी? हाँ? भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं अपने क्रोध को वश में रख के बात करूं। क्या अनर्थ कर दिया तूने? तुम्हारे बच्चे को गोद नहीं लिया इसलिए अपने भाई गुरुदास का और बेचारी देवी जैसे भाभी की तुमने जान ले ली और इस बच्चे को अनाथ बना दिया तुमने। 12 साल सर छुपा के भटकने के बाद यहां पर आई हो तुम। शायद बच्चे की किस्मत अच्छी थी जो मेरे हाथ लग गया, नहीं तो पता नहीं बेचारे का क्या होता। पता नहीं क्या ये मेरे भाई गुरुदास की संतान है? जी हाँ, गुरुदास की संतान है, नारायण स्वामी। नारायण, छूना मत। इस अपराध की तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए तुम्हें पता है? ऐसा मत करो पुजारी जी, जो गलती मैंने की उसकी सजा मैं भुगत चुकी हूँ। मेरे पति को सांप ने काट लिया और मेरे 2 बेटे भयंकर बीमारी की वजह से मर गए। अभी इस बच्ची के लिए फूल बेच के जी रही हूँ मैं। दौलत के लालच में आके भयंकर अपराध कर बैठी मैं। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं और मेरी बेटी इस बच्चे नारायण की मरते दम तक सेवा करेंगे। इसके लिए एक ही रास्ता है, मेरी बेटी से नारायण के साथ तुम अपने हाथों से शादी करा दो। तेरे जैसे का साया भी नहीं पड़ना चाहिए नारायण पे। चली जाए यहाँ से तू। अरे रे, अरे रे, अरे रे। मैं जानती हूँ मैं अभी पुष्पा दीदी रही ही नहीं, लेकिन आज के बाद हमेशा धर्म के रास्ते पे ही चलूंगी, ये वादा करती हूँ मैं। मुझ पर एहसान करो, मुझ पर एहसान करो। उठो, मैंने कहा ना उठो। आज से तुम धर्म के रास्ते पर चलोगी ना? बिल्कुल बिल्कुल पुजारी जी। ठीक जैसी भीम लिंगेश्वर की इच्छा हो।